गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मैसेल पार्टी सर. टुडे वी हैव टू डिस्कस आफ्टर इंजेक्शन द डाइजेशन. सेकंड पार्ट जो था डाइजेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. डाइजेशन है क्या? टू कन्वर्ट फूड इनटू द यूजेबल फॉर्म. जो फूड को कन्वर्ट करेगा यूजेबल फॉर्म पे और भी इजी वे पे इसका डाइजेशन हो जाए. इसमें कौन सा ऑर्गन पार्ट हिस्सा ले रहा है? तीन है. एक है माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द माउथ, द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीन जो पार्ट्स है, ये तीन पार्ट जो ये इन्वॉल्व है इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कम्प्लीट करने में. पहले माउथ के बारे में डिस्कस कर. माउथ बिगिन इन द डाइजेशन, बिगिन इन द माउथ, माउथ पे स्टार्ट होता है. द सलिवरी ग्लैंड, माउथ पे सलिवरी ग्लैंड होते हैं. प्रेजेंट इन द माउथ कॉन्टीन्यूस सीक्रेट सैलीवा. सैलीवरी ग्लैंड से क्या 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 सीक्रेट होता है? हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म पर सैलीवा निकलते जाते. जो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सैलीवा इज टू मेक द फूड मॉइस्ट. जो फूड माउथ पे गया उसको और भी थोड़ा सॉफ्ट कर देना है. तो सैलीवा उसके साथ मिक्स होगा और फूड और भी सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, देखो फूड पाइप से इजीली पास हो सके. तो सैलीवा ऑल्सो कॉन्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम. सलीबा में और भी क्या रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं. दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर. जो फूड में जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं. उसमें स्टार्च का रूप में था, वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? शुगर में. कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो सलीबा के साथ मिक्स होता है. इसीलिए बोल रहे द सलीबा ऑल्सो कॉन्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च. स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर. नेक्स्ट पेज देखेंगे. फ्रॉम द माउथ, माउथ से द फूड पासेस इनटू द ओसोफेगस और फूड पाइप में जाता है. फाइनली रीच द स्टोमक तक पहुंच जाते हैं. फूड पाइप के द्वारा वो स्टोमक तक पहुंचता है. द वॉल ऑफ द ओसोफेगस रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. रिलैक्स होता है, एबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, खुल जाता है, बंद होता है, लोग मतलब वो सुकुल जाते हैं और फ्री होते हैं. तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली बार बार होता है टू पुश द फूड डाउन. उस तरह फूड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो फूड फूड पाइप से जा रहा था वो धीरे धीरे स्टोमक तक पहुंच जाएगा. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेलिस और पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं इसको. इस फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता. सो नो डाइजेशन टेक प्लेस इन ओसोफेगस और फूड पाइप. नेक्स्ट जो ऑर्गन है, जब स्टोमक तक पहुंच गया फूड, स्टोमक में क्या फंक्शन हो रहा है? स्टोमक इज ए यू सेप. यू सेप का इंग्लिश लेटर अल्फाबेटिकली जो यू सेप है उस तरह का होता है. मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन. जो एब्डोमेन पार्ट है उसका अपर पार्ट पे स्टोमक का पोजिशन है. द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये दिमाग पे रखना है. द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स क्या क्या सीक्रेट्स करता है? डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तीनों का अलग अलग काम है, डिस्कस कर रहे हैं. द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू सिंपलर फॉर्म. द डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में तैयार करना. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. अच्छा, द म्यूकस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द स्टोमक लाइनिंग द एक्शन ऑफ एसिड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. The food is now partially digested and is in form a thick soup. Soup type का बन जाता है, ठीक है ना? फॉर्म सूप करता. तो तीन पार्ट इसमें आया. स्टोमक में जब फूड पहुँचता है तो उस स्टोमक से डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस तीनों का सिक्रेशन होता है. तीनों का अलग अलग काम है. डाइजेस्टिव जूस का क्या काम था? क्या काम करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते जो प्रोटीन, जो फूड में जो प्रोटीन कंपोनेंट गया उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो काम किया जा करते हैं. एक तो बैक्टीरिया को किल करते जो फूड का साथ था, और एसिडिक मीडियम को बरकरार रखते हैं
डाइजेस्टिव जूस की डाइजेस्टिव जूस में जो एसिड का लेवल उसको मेंटेन करते हैं। म्यूकस जो था, तीसरा जो सिक्रेशन था म्यूकस, वो प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टोमक लाइनिंग को एज एक्शन ऑफ एसिड से, फ्रॉम द एसिड्स, क्योंकि एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो स्टोमक का लेयर पे टच नहीं होता क्योंकि बीच में म्यूकस रहता है। इस तरह इसके बाद द फूड इज नाउ पार्शियली डाइजेस्ट, या पर आधा डाइजेस्ट हो ही जाता है फूड, थिक सूप में ये कॉन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड आप स्टोमक के बाद चले जाएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या लिख रहे थे, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू अ हाइली कॉइल्ड, लपेटा हुआ गोल गोल रिकॉइल जैसा रहता है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, लंबा सा ट्यूब होता है, इस कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मेजरमेंट इसका दिमाग पे रखना है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है लेकिन इसका एक्चुअल जो लेंथ है वो 7.5 मीटर से 8 मीटर तक हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स द इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ से इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा जूस निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस आएगा, दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। जितना उसमें स्टोमक में जितना डाइजेस्ट होना था हुआ, इसका जो बाकी जो डाइजेस्टिव पार्ट था, डाइजेशन होना था, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, जो भी कंपोनेंट का, जो भी वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसका डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट ऑल्सो रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियस, इसमें पैंक्रियस से इट ऑल्सो रिसीव द सिक्रेशन, लीवर से जो बाइल जूस आता है, पैंक्रियस से जो पैंक्रियाटिक जूस आता है, इसमें ही स्मॉल इंटेस्टाइन इसको भी रिसीव करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर, लीवर हमारे बॉडी का ये क्वेश्चन भी आता है, जो हमारे इंटरनल सिस्टम में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर होगा लीवर। तो इसलिए बोला द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, द लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, लीवर से जो जूस सिक्रेशन होता है उसका नाम है बाइल जूस, दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है अंटिल नीडेड, जब तक इसका जरूरत चलता है, काम चलता है, तो गॉल ब्लैडर में ये जूस स्टोर होता है। बाइल हेल्प टू, क्या करता है ये बाइल जूस, क्या हेल्प करता है, हेल्प टू ब्रेक डाउन द फैट, फैट जो गया, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसाइज तो स्टोमक में हो गया था, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो फैट जो फूड के साथ फैट कंपोनेंट गया, वो बाइल जूस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। द पैंक्रियास सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा, इसका काम क्या है, यह क्या करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन इंटू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो डाइजेशन इज कम्प्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दिमाग पे रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कम्प्लीट होता है, स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन हम लोग सीखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और भी काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो राइट साइड में दिया जा रहा है, बिलाई, देखो बिलाई का प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल बिलाई, VILLI, तो इस प्रोनाउंसिएशन इसका होगा बिलाई, बिलाई का सिंगुलर में भैलास होता है। बिलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशियंट, बिलाई जो फिंगर लाइक जैसा दिख रहा है, ये जब डाइजेशन में स्टार्ट करता है काम करना, ऑब्जॉर्व करने का काम करता है, तो इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जॉर्व कर पाए। विल्लाई हैव ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, खूब सारे ब्लड वेसल इसके अंदर है। द सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब बाय द विल्लाई, जो सॉल्युबल फूड था अंदर था स्मॉल इंटेस्टाइन के में, विल्लाई उसको एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल में, उसको मिक्स ट्रांसपोर्ट कर देता टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्लड चला जाता है। नेक्स्ट है असिमिलेशन, असिमिलेशन में क्या होता है, द सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ब्लड तो सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन में चला जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट पर चला जाता है, ऑर्गन वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर
बिल्डिंग सब्सटेंस सच एस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन जैसे उसका यूटिलाइज भी होता है, दिस कॉल्ड असिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं असिमिलेशन, असिमिलेट होना, मिक्सअप हो जाना ब्लड के साथ। इन ईच सेल ऑफ द बॉडी, जितने भी सेल है बॉडी में, हर सेल में पहुँचता है द सॉल्युबल फूड इज कॉल्ड, सॉल्युबल फूड इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते, ये ऑक्सीजन उस सॉल्युबल फूड के साथ मिक्सअप होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, सॉल्युबल फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर आते हैं इसका लास्ट पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या पार्ट है, द अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड फूड है, पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। हेयर वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्ब होता है और कुछ सॉल्ट का एब्जॉर्ब हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड बन जाता है, सेमी सॉलिड रूप में बनता है, दिस इज कॉल्ड फेसियस, इसको बोलते हैं हम लोग फेसियस। नेक्स्ट पेज देख रहे हैं, अब आगे इजेशन, इजेशन में निकाल देना बॉडी के बाहर से अनडाइजेस्टेड फूड को, थ्रो आउट कर, थ्रो करना बॉडी के बाहर बाहर चला जाते, ना तो ये नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट बनेगा जो बॉडी के लिए वो जहर साबित होता है, नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट। द फेसियस आर स्टोर इन द रेक्टम एंड पास्ट आउट थ्रू द ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन एक फ्लो चार्ट आप देखो नीचे, पहले माउथ है, माउथ में फूड लेते हैं हम लोग, माउथ में सलीवरी ग्लैंड से सलीवा मिक्सअप होता है, सॉफ्ट कर देता है फूड को, ये धीरे धीरे ओसोफेगस पे गया, इसको फूड पाइप बोलते हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप से ये स्टोमक तक पहुँचेगा, कौन सा प्रोसेस में, पेरिस्टलिक प्रोसेस से, जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट था स्टोमक में पहुँच गया, स्टोमक में तीन चीज़ और मिक्सअप होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस जो भी बोलो, फिर वहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस, लीवर से बाइल जूस आएगा, पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस आएगा, इसको और जूस जितना भी डाइजेस्ट करना था कर लेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है, टोटल कम्प्लीट होता है। फिर ये चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर और सॉल्ट जो था ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, इसके बाद ये पहुंच जाएगा लास्ट पार्ट में इसका जो एनस में, फिर उसका बॉडी से बाहर थ्रो आउट हो जाएगा। तो ये टोटल पाथ ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम था, फ्लो चार्ट था, और इस तरह हम लोग सीख गए जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन पार्ट था उसका पार्ट हम लोग डिस्कस किए। इसको प्रॉपर नोट करना है, नोटबुक पे नोट भी करना है और इसको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।